What is morphology? Morphology is the external features. The study of external features of plant is morphology. The science which is dealing with the external features. And now, and external features आपने plants देखे ही होंगे. Plants का जो top portion होता है, the portion above the ground is stem, shoot system. It is stem system or shoot system. Portion down the ground is root system. Okay, so you can importance of morphology. You can see knowledge of morphology is essential for recognition or identification of plants. So if you know about the external features, then you know how to recognize the plant. तभी आप जान पाओगे कि ये किस तरह का plant है, ये dicot है, monocot है. उनके morphology से ही पहचान पाते हो plant को. It gives information about the range of variations found in species. Morphologies पढ़कर, देखकर, समझकर आप variations भी देख पाते हो कि plant life में कितनी सारी variations देखने को मिलती हैं. तो सबसे lower plants हैं algae, वो aquatic है. Then आपके bryophytes जो उनसे थोड़े developed हैं. Then pteridophytes. Then most developed are two, gymnosperm and angiosperm. And उनमें भी सबसे जो wide variety में और diverse habitat में distributed हैं all over the earth are angiosperms, flowering plants. तो आपका morphology भी flowering plants की ही हमें पढ़नी है. तो अगर हम morphology समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें स्पीशीज के वेरिएशंस के बारे में समझ में आता है. ठीक है, जैसे आप पांच किसी भी पेड़ों से पत्ते लेके आओगे, एक आप यूकेलिप्टस के पत्ते लेके आए, एक आप मैंगो के पत्ते ले आए, एक गुआवा के ले आए, एक आप नीम के पत्ते ले आए, ठीक है, और आप एक और तुलसी के पत्ते ले आए. तो इतने सारे आप अगर पत्ते ले आएंगे तो उसकी प्लांट के लीफ के डिजाइन से आप पहचान सकते हो कि इनमें वेरिएशंस हैं. तो अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तभी आपको वेरिएशन समझ में आती हैं. डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन द. तो कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आपको तभी समझ में आएंगे कि प्लांट में कोई कमी तो नहीं हो रही है, प्लांट को कोई बीमारी तो नहीं है, जब आप मॉर्फोलॉजी समझोगे. दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स या तो उन्हें कम मिल रहे हैं या ज्यादा मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे उनके मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स में चेंज आ जाते हैं. पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव आर शूट सिस्टम. जैसे हमने देखा था, ऊपर का पार्ट तो शूट सिस्टम कहलाता है और डाउनवर्ड जो सॉइल के अंदर पार्ट होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है. रूट में इन डायकॉट एंड लिडनस इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म प्राइमरी रूट. तो डायकॉट वाले प्लांट में रूट लंबी हो जाती है, मेन रूट बनती है, वो टैप की तरह वो नीचे जाती है जड़ों मिट्टी में, सीधी नीचे जाती है और उसके फाइबर्स ब्रांचेस साइड ब्रांचेस होती हैं, बट मेन टैप रूट हमेशा रहती है, परमानेंट है. तो इस तरह के रूट सिस्टम को जिसमें मेन रूट परमानेंट रहती है उसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, मोनोकॉट में फाइब्रस होता है. यस, नाउ वी कैन से थ्री चैप्टर्स वी आर गिविंग फ्रॉम द प्लांट सिस्टम. वी आर रिमूविंग दैट लास्ट थ्री चैप्टर्स जो हमने सिलेबस देखा था उसमें से हम लास्ट थ्री छोड़ देंगे. मैंने रेस्पिरेशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको छोड़कर हम ये पहले तीन हाफ ईयरली में आए हुए पहले के तीन चैप्टर्स ले रहे हैं. ठीक है, क्लियर? क्योंकि पुराना भी थोड़ा पोर्शन डालने से आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा, इस वजह से हम मॉर्फोलॉजी ले लेंगे और जो प्लांट वाले यूनिट के जो एनाटॉमी और उसके आगे का चैप्टर है उसमें उसको लेंगे. ठीक है, क्लियर? तो मोनोकॉट प्राइमरी रूट, मोनोकॉट
मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स होती हैं, कि मोनोकॉट हैज फाइब्रस रूट्स, और डायकॉट्स में कैसी रूट्स है, टैप रूट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन्स ऑफ रूट, रूट के चार रीजन्स होते हैं, आप देख पा रहे हो डायग्राम में। रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी आपका टिप पे है, रूट टिप पे प्रेजेंट है, रूट कैप से कवर्ड रहता है ये मेरिस्टमैटिक एरिया। एपेक्स ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट वाइल मेकिंग वे थ्रू द सॉइल। और ये रूट को रूट के बिल्कुल को नरम पोर्शन को बचाता है, जो रूट के नरम पोर्शन है बिल्कुल वहाँ पे मेरिस्टमेटिक डिवीजन होता जाता है, हमेशा सेल डिवाइड होते रहते हैं, उनको बचाता है, ठीक है। और यहाँ के सेल्स में मेरिस्टमेटिक एरिया वाले सेल्स, यानी रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, और ये रूट को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से नए सेल्स देते हैं। उसके जस्ट ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एरिया के जस्ट ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, सेल्स लंबे लंबे ज्यादा होते हैं, तो सेल्स अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, वेयर सेल्स undergo elongation and enlargement to increase the length of the root, ठीक है। तो हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, वी विल गिव फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम दिस यूनिट एज वेल, और एंड वी लीव थ्री चैप्टर्स, लास्ट थ्री चैप्टर्स वी आर लीविंग, सो वील गिव वील हैव नाइन चैप्टर्स इन द एग्जाम, थ्री चैप्टर्स विल बी देयर फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, जो हाफ ईयरली में, ये भी हाफ ईयरली में आया था, तो हाफ ईयरली के कोई तीन चैप्टर्स हम आपको देंगे। आज मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगी फाइनली ग्रुप में, इसीलिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स अभी फिलहाल के लिए नहीं देंगे, बिकॉज वो लेटेस्ट किया है, प्लस उसके अभी नोट्स भी आप लोगों को करने हैं कम्प्लीट। मेरे को एक भी बच्चे ने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी के एटलीस्ट नोट्स नहीं दिखाए हैं, तो वी आर नॉट गिविंग दोज चैप्टर्स, बट वी विल बी गिविंग अगेन द हाफ ईयरली, फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम हाफ ईयरली पोर्शन, ठीक है। तो इसीलिए आज हम ये रिवाइज कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स की साइंस, और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके प्लांट्स को, रिकोगनाइज कर सके, और वो हमें इंफॉर्मेशन देती है वेरिएशंस की स्पीशीज में, प्लांट्स में तरह तरह की वेरिएशंस की डेफिशिएंसी के बारे में समझने में हेल्प करते हैं, कि प्लांट में अगर कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट और शूट सिस्टम डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है, कि शूट सिस्टम में पूरे आ जाएंगे चीज़ें, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बड्स, तो ये सब आपके शूट सिस्टम में आ जाएंगी। रूट सिस्टम में आपके दो तरह की रूट्स आ जाएंगी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट्स आपके डाइकॉट में आ जाएंगी, फाइब्रस रूट्स आपकी, एडवेंटिशियस रूट्स आपकी कहाँ आ जाती हैं, मोनोकॉट में, मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट मतलब रेडिकल से ग्रो हुई मेन रूट, परसिस्टेंट रहती है, परमानेंट रहती है, तो दैट इज टैप रूट। और अगर वो रिप्लेस हो जाती है कई सारे फाइबर्स वाली रूट से, तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम हो जाता है। रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट बिसाइड, अगर रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकल रही है, तो उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि बरगद का पेड़ है, उसकी शाखाओं में से भी जड़ें निकलती हैं, ठीक है, स्टेम में से भी, तो वो क्या होती है, हैंगिंग रूट्स हैं, वो बैलेंस और सपोर्ट देती हैं बरगद को, बैनियन ट्री को, तो इस वजह से उन वाले रूट को प्रॉप रूट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रास में आप देखोगे, ग्रास का कभी भी आप उखाड़ोगे घास को, तो उसमें भी उसकी लीव से भी उसकी रूट्स निकलती रहती हैं। मेज मक्के में से भी आपको ऐसे दिखेगा, शुगर केन में आपको दिखेंगे, तो ऐसे रूट्स जो स्टेम के पोर्शन से निकल रहे हैं एडवेंटिशियस हो जाते हैं। देन वही बात है कि मेन फंक्शन रूट का क्या है, एब्जॉर्प्शन, बट अगर रूट कोई और फंक्शन कर रही है,
उसका स्पेशल फंक्शन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है. अब रीजन्स ऑफ रूट क्या है? सबसे नीचे तीन मेन रीजन्स हैं, मेरिस्टमैटिक रीजन, इलॉन्गेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन. रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी में सबसे टिप पे पाया जाता है, रूट टिप पे एट द एपेक्स. इट इज हैविंग द सेल्स विच आर एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग. सो इट इज द मेरिस्टमैटिक टिश्यू रीजन. एंड देन उसके बाद जो भी सेल नए ऐड हो रहे हैं वो पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो, और वो अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं और वहां पर वो इनलार्ज होते रहते हैं. तो इस वजह से उस एरिया को रीजन ऑफ इनलार्जमेंट कह देते हैं. फिर उसके जस्ट और ऊपर अगर हम जाएं तो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, जहाँ के सेल्स अब डिफ्रेंसिएशन करने लगते हैं अपने अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस, जैसे रूट हेयर्स निकालते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, तो वो कुछ ना कुछ फंक्शन के लिए अपने आप की स्पेशलाइज करते हैं, तो वो रीजन ऑफ मैचुरेशन हो जाता है. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एरेशन. तो रूट्स अलग अलग तरीके की चीज़ें के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं. अगर स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हैं, फ्लैशी रूट्स हैं, यानी कि वो अंडरग्राउंड फूड स्टोर कर रही हैं, जैसे गाजर है, मूली है, टर्निप है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोनिकल है तो रेडिश और कैरेट में है कोनिकल फॉर्म. फ्यूजी फॉर्म रेडिश में है, कोनिकल कैरेट में है, नैपी फॉर्म टर्निप में, शलगम में. तो इस तरीके की फूड को वो स्टोर करते हैं. देन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जैसे कि आप लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूम्स, रूट लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं. एरेशन के लिए पता ही आपको राइजोफोरा, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में राइजोफोरा. थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो मॉडिफिकेशंस में, थर्ड पॉइंट में दिया राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स एक बार आपका एग्जाम में भी आ चुका है, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज. तो राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जो कि वेटलैंड में मिलता है, मार्शी एरियाज में मिलता है. तो वहाँ पे रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ आती हैं और वो पोरस होती हैं, उनमें पोर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेती हैं. क्योंकि ये प्लांट्स की नॉर्मल रूट्स तो नीचे ही रहती हैं पर वो पूरी वाटर लॉक्ड होती हैं, और कुछ रूट्स उनकी जो मॉडिफाइड रूट्स हैं न्यूमेटोफोर्स, वो ऊपर की तरफ एयर में आती हैं. ठीक है, डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है. और बैनियन, बैनियन की प्रॉप रूट्स बता रखी हैं, स्टिल्ट रूट्स सेकेंड पॉइंट में, मेज की स्टिल्ट रूट्स और शुगर केन की स्टिल्ट रूट्स बता रखी हैं, वो भी नोड रीजन में ग्रो होने वाले. अब देखा है गन्ना, सबने देखा है, यहाँ पे तो बहुत होता है इस एरिया में. तो वहाँ पर जो नोड होती है, नोड रीजन जो होता है, वहाँ से रूट्स निकलती हुई दिखती हैं. तो वो एक तरह से मॉडिफाइड रूट है, स्टिल्ट रूट्स हैं. देन आपका स्टेम, स्टेम आता है नेक्स्ट पार्ट है मॉर्फोलॉजी का. स्टेम, स्टेम असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का, जिसपे ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट सब होंगे. ये प्लम्यूल के ग्रोथ से बनती है. स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड. स्टेम के अंदर दोनों चीजें हैं, नोड्स और इंटरनोड, दोनों एरिया है. नोड वो एरिया होता है जहाँ पे भी या तो लीफ बन रहा हो या तो नई ब्रांच निकल रही हो, तो उस एरिया को नोड बोलते हैं. मेन फंक्शन स्टेम का क्या है? ब्रांचेस को स्प्रेड करना और बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब को अपने ऊपर लाना, फल फूलना, फलना फूलना स्टेम का काम है. इट ऑल्सो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल. ये वाटर और मिनरल को क्या करती है? कंडक्ट करती है, सब जगह पहुंचाती है. सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये स्टेम स्पेशल फंक्शन भी कर सकती है, खाने को स्टोर करती है, सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शंस भी कर सकती है. मॉडिफिकेशन में यही है हमें पढ़ना है. मॉडिफिकेशन में अब एक एक करके हम देख रहे हैं. पहला पॉइंट मॉडिफिकेशंस में, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी की गांठ, अदरक का जो वो है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है. आलू जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, तो इसने फूड को स्टोर किया है अपने अंदर. दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन. अगर हार्श कंडीशन होगी तो ये
वापस से उस पौधे को लाइफ देने के लिए पेरिनेशन मतलब रिप्रोडक्शन में, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में स्टेम काम आती है। अब फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन टेंड्रिल के फॉर्म में, जो प्लांट अपने आप को इतना सपोर्ट नहीं कर पाते उनके टेंड्रिल्स भी स्टेम के से बनते हैं, जैसे क्यूकुम्बर है, पम्पकिन है, ग्रेप्स है, तो इनमें टेंड्रिल्स बनते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन से। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में मॉडिफाइड टू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स इन सिट्रस, सिट्रस वाले प्लांट्स में जो विटामिन सी होता है जिनमें, उनमें कभी कभी एक्सिलरी बड जो होती है स्टेम की वो क्या करती है, मॉडिफाई हो जाती है, वुडी स्ट्रेट हो जाती है, पॉइंटेड थॉर्न की तरह बन जाती है बोगनविला में, जैसे आपने देखा हो बोगनविला जो पौधा है वो है जो उसमें फ्लावर्स उगते हैं। नाउ प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटेंड ओपुंचिया, एरिड रीजन वाले जो प्लांट्स हैं मतलब ऐसे एरिया, एरिड रीजन किसको बोलते हैं, मतलब जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, डेजर्ट, राजस्थान जैसे बीकानेर, जैसलमेर, वहाँ पर फ्लैटेंड अपंशिया, वहाँ के नागफनी के कैक्टस के पौधे, उनमें क्या होता है स्टेम फ्लैट हो जाती है, अपंशिया कैक्टस का ही नाम है, फ्लैशी स्लेंड्रिकल हो जाती है, यूफोर्बिया में नागफनी है यूफोर्बिया, और इनमें ग्रीन होती हैं ये, बड़ी बड़ी सी होती हैं बहुत, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और रूट इनकी डीप होती हैं तो डीप से पानी लेती हैं, रूट्स तो पानी लाएंगी पर ये सारा पानी स्टोर करके रखना काम किसका है, मॉडिफिकेशन है स्टेम की डेजर्ट वाले प्लांट्स में, कि इनकी स्टेम कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल फ्लैट हो जाएगी फॉर क्लोरोफिल, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड। अदरवाइज नॉर्मल फूड बनाने का काम तो लीव्स का है, ठीक है, स्टेम तो कभी नहीं बनाती फूड, ज्यादा नहीं बनाती, पर डेजर्ट वाले प्लांट्स में लीव्स हो नहीं सकते क्योंकि लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में, उनके लीव्स नहीं होते हैं, क्योंकि लीव्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन होएगा, पानी इतना है नहीं कि उसको वेपराइज करें, तो लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, कांटों में, और स्टेम फ्लैट हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, थिक वैक्सी कवरिंग हो जाती है, कैक्टस देखा ही होगा नॉर्मली सबने, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, मॉडिफिकेशन है ये स्टेम का फोटोसिंथेसिस करने का। अब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन और क्या क्या मॉडिफिकेशन है, सकर, मिंट, क्रायसैंथेमम, सकर टाइप की स्टेम बनती है मिंट में, क्रायसैंथेमम में, मतलब सकर कहने का मतलब ये है मोर रिलेटेड टू ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्ट्रैटेजी, मीन्स हॉरिजॉन्टली इट इज स्प्रेडिंग, जल्दी जल्दी से वो थोड़ा सा अगर मिंट का ब्रांच लगाओगे कहीं पे भी पूरा, तो वो पूरा जल्दी से स्प्रेड होता है उस एरिया में, बिकॉज वो लेयरिंग कर सकता है, तो मिंट हो, क्रायसैंथेमम हो, उस तरह की स्टेम को सकर बोलते हैं। राइजोम क्या है, ऐसी स्टेम जो थोड़ी सी सिलेंड्रिकल भी हो और आपकी फूड स्टोर कर, जैसे जिंजर एग्जाम्पल दिया है, कॉर्म, कोलोकेशिया एग्जाम्पल है, ये सारी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, बस इनका शेप अलग अलग है, कॉर्म कोलोकेशिया मतलब अरबी का जो पौधा, आप अरबी खाते हैं तो वो कॉर्म का एग्जाम्पल है, वर्टिकली ऊपर की तरफ और सॉलिड भी होती है वो, अंडरग्राउंड होती है बट वो वर्टिकली में चीजों में, अरबी आपने देखी होंगी उस तरह होती है। ट्यूबर पोटैटो है, पोटैटो क्या है, आलू, तो आलू पतला लंबा नहीं होता, आलू फैला मोटा होता है, ठीक है, तो इस वजह से उसे ट्यूबर बोलते हैं, और कॉर्म कोलोकेसिया पतली लंबी होती है। बल्ब ऑनियन गार्लिक, बल्ब शेप में ये वाली स्टेम्स बनती हैं, ऑनियन बनेगी, प्याज और गार्लिक, ठीक है, लहसुन बनता है। नाउ द लीफ, लीफ का मॉर्फोलॉजी में डायग्राम आप देखो, डायग्राम आपको आना भी चाहिए कि लीफ ब्लेड को लेमिना कहते हैं, और लीफ का जो स्टिक है जिससे वो जुड़ा हुआ है स्टेम से उसे पेटियोल कहते हैं, देन स्टॉक ऑफ द लीफ इज पेटियोल, एंड देर इज वन मोर स्मॉल लीफ विच इज कमिंग एट द कॉर्नर, दैट इज स्टिप्यूल, देन एक्सिलरी बड इज देयर, लीफ बेस इज देयर,
Yes, this chapter is come will come in your exam. We will leave you the chapters of human physiology because that is done at the last. The human physiology ke chapters na deke hum half yearly ke kuch chapters de rahe hain. To half yearly mein ye wala aaya tha, to is wajah se ye repeat hoga. ठीक है, clear हो गया. Now आपका ये leaf का पूरा diagram रहेगा. Leaf originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal order. Leaf shoot apical meristem से निकलते हैं और acropetal order में arrange रहते हैं. Typical leaf consists of three parts. Leaf three parts के leaf के पास three parts होते हैं. Leaf base, petiole, lamina. Leaf is attached with the stem by leaf base, which may bear two small leaf-like structures called stipule. Leaf जैसे structure stipule होते हैं उसके पास. And middle prominent vein is called mid vein. Veins provide rigidity to the leaf weight and act as a channel for transport of water and mineral. तो middle का जो उसका prominent vein है उसे midrib बोला जाता है. और फिर leaves में अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्रांचेस होती हैं जिसे वेनेशन, तो जिसमें नेटवर्क जैसी होती हैं उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. जिसमें पैरेलल होती हैं उन्हें पैरेलल वेनेशन कहते हैं. अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन. वेन फ्रॉम अ नियर नेटवर्क वेन इज रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेटिकुलेट इन डायकॉट. पहला वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है उसमें एबीसी पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो पहला डायकॉट के लिए, दूसरा मोनोकॉट के लिए है. तो वेन यहाँ पर एक नेटवर्क जैसा बनाती है रेटिकुलेट में. इसकी हेडिंग नहीं दे रखी है पर आपको पता है फर्स्ट कॉलम में जितने भी पॉइंट्स हैं वो डाइकॉट के रेटिकुलेट वेनेशन के हैं जो डाइकॉट प्लांट्स में मिलते हैं. दूसरे वाले कॉलम की हेडिंग हुएगी पैरेलल वेनेशन. ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर मिसप्रिंट है, नहीं दिखा रखा, बट यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म्स अ पैरेलल अरेंजमेंट. ठीक है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं बनता, सेकेंड वाले के कॉलम के फर्स्ट पॉइंट में आएगा. वेन्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट, डज नॉट फॉर्म नेटवर्क. ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट वाला हम डिफरेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा वेन्स फॉर्म अ नियर नेट क्लियर नेटवर्क, तो यहाँ पर ए पॉइंट आएगा कि नो नेटवर्क इज फॉर्म्ड. यहाँ पे पैरेलल में कोई नेटवर्क नहीं बनता. तो बी में वेन्स आर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है. सी पॉइंट, इधर इट इज प्रेजेंट डायकॉट प्लांट्स, एग्जांपल दे दिया ग्राम पी बीन्स. इधर इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स में. अब टाइप्स ऑफ लीव्स, कंपाउंड लीव, सिंपल लीव, फाइनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड. लीव का ब्लेड जो है वो सिंगल है या डिवाइडेड है उस पे बेसिस पे सिंपल लीव या फिर कंपाउंड लीव इसको बोलते. Finitely compound, large number of leaflets, मतलब बटा हुआ है कि नहीं leaf blade. Complete एक ही leaf blade है तो simple leaf हो जाएगा, और अगर leaf blade कटा हुआ है और उसके छोटे छोटे से पत्तियां, एक पत्ते की छोटी छोटी सी और पत्तियां हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, compound leaves हो जाएगा. ठीक है, example नीम का हो गया. The palmately compound leaves. The leaves are attached at the common point. Example silk cotton. Palmately compound leaves जो हैं वो उसमें leaflets एक common point से attached रहते हैं जिससे silk cotton में रहते हैं. The pattern of arrangement of leaves on the stem or branch is called phyllotaxy. जो pattern arrangement का है leaves का उसके branch के ऊपर उसे phyllotaxy बोलते हैं. कैसे leaves arranged हैं? ठीक है, लीफ ब्रांच के ऊपर उसे फाइलोटैक्सी कहते हैं. अल्टरनेट टाइप्स में एक ही लीफ अरेंज होता है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट तरफ, जैसे चाइना रोज में होता है. अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी में पेयर ऑफ लीव्स अराइज होते हैं फ्रॉम ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर एज इन गुआवा. इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड्स एंड फॉर्म अ वर्ल्ड इज कॉल्ड वर्ल्ड टाइप फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया. तो ये फाइलोटैक्सी है, इसके डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिए हैं, हम यहाँ सर्च करके देखते हैं वैसे कि फाइलोटैक्सी के डायग्राम है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ आपको इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा.
फाइलोटैक्सी अल्टरनेट दिखा रखी है, पहले में अल्टरनेट दिखा रखी है, एक ही पॉइंट से नहीं जुड़े हुए हैं, एक नोड से सिंगल लीफ ही अराइज हो रहा है पर अल्टरनेट तरफ। तो इस तरह की फाइलोटैक्सी को अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। सेकंड इज अपोजिट डेक्यूसेट। अपोजिट में मतलब सिंगल नोड से दो लीव्स निकलेंगे और एंगल्स पे होंगे एक दूसरे के। देन सी में वर्ल्ड है, सी में वर्ल्ड है, एक पॉइंट से दो लीव निकलेंगे और सर्कल्स में अरेंज रहेंगे। तो दोनों सी और डी में वर्ल्ड है, एक नेरियम प्लांट का है, एक एल्स्टोनिया प्लांट का है, यानी सर्कल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। अल्टरनेट पहला वाला है, सीसम का पौधे का प्लांट है ये, अपोजिट दे रखा है, गुआवा के प्लांट का पौधा लीव्स है ये। देन ए पाइनेटली कंपाउंड है, कड़ी पत्ते का लीव्स है ये। देन सी आपका वर्ल्ड है, ठीक है, सी एरा एल्स्टोनिया प्लांट है ये, और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स भी है बी, ठीक है। इस तरीके से लीव्स है वर्ल्ड, सर्कल में अरेंज होंगे लीव्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। देन इनफ्लोरेसेंस आता है, तो इनफ्लोरेसेंस में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर आता है, फ्लावर किस तरीके से अरेंज है स्टेम पे, वो इनफ्लोरेसेंस होता है। तो फ्लावर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेसिमोस साइमोस एंड इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। तो एक में इनडेफिनेटली जो होता है वो फ्लावर्स ग्रो होते रहते हैं और एक में नहीं होते। फ्लावर्स मींस टर्मिनल पे एक एक्चुअल बर्ड आकर रुक जाती है। यहाँ देखोगे आप साइमोस में क्या हो रहा है, साइमोस में फ्लावर्स सेंट्रल पे भी हैं और साइड वाली ब्रांचेस पे भी फ्लावर्स हैं और हमेशा एंडिंग पॉइंट पे फ्लावर्स हो गए ही होंगे। साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज कैरेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर एट द एपेक्स, टिप्स पे, सेंट्रल वाले पे भी हमेशा फ्लावर्स होंगे। द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड एंड द लेटरल एक्सिस आल्सो टर्मिनेट इन द फ्लावर दैट लिमिट द ग्रोथ ऑफ एक्सिस। फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन पेसिपेटल सक्सेशन, दैट इज ओल्डर फ्लावर इज प्रेजेंट टर्मिनली, जो सबसे ज्यादा पुराना फ्लावर होगा सबसे आगे वही होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सेंट्रीफ्यूगल विद द ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट इन द मिडल, ओल्डर वाला बीच में आएगा और बाकी दोनों जो साइड वाले होंगे वो यंग होंगे। और रेसिमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू गो इंडिपेंडेंटली, रेसिमोज में आगे आगे बढ़ती जाती है मेन एक्सिस। तो ये डिफरेंस है इसमें, और डायग्राम देखते हैं उससे और क्लियर हो सकता है। ये देखो इस डायग्राम से भी यहाँ पर डॉट फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप देख रहे हो रेसिमोज वाली में साइड में ही फ्लावर्स आ रहे हैं, बीच वाले में फ्लावर नहीं आया है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। और साइमोज में आप देख रहे हो सारी टर्म, चाहे साइड वाली हो चाहे सेंटर वाली हो, सब में फ्लावर आके टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। यहाँ पर एक और लाइन डायग्राम से दिखा रखा है, रेसिमोज में टर्मिनेट नहीं करना फ्लावर में, साइमोज में टर्मिनेट करना है। रेसिमोज में हमेशा साइड ब्रांचेस पे फ्लावर्स आएंगे, साइमोज में साइड पे भी और आएंगे और सेंटर वाले पे भी आएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ ग्रोथ इंडेफिनेटली ग्रो होगी, यही डिफरेंस है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस इट विल ग्रो इंडेफिनेटली बिकॉज सेंट्रल एक्सिस विल नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, ओनली साइड ब्रांचेस विल हैव फ्लावर। और साइमोज में साइड ब्रांचेस प्लस सेंट्रल एक्सिस ऑल विल टर्मिनेट इन द फ्लावर एंड कैन नॉट ग्रो इंडेफिनेटली। सिंपल रेसिम क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया वाला प्लांट इधर दिखा रखा है, सिंपल रेसिमोज है, ऐसे इसमें साइड में ही फ्लावर्स आते रहते हैं। और रेसिम मैंजीफेरा मैंगो का जो है, इसमें देखो सब जगह क्या आ रहे हैं, ये रेसिमोज है मैंगो का, कंपाउंड रेसिमोज है, ठीक है। इधर साइमोज दिखा रखी है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस,
ये प्लांट्स आपने देखे होंगे, ये वाले लास्ट वाले जो प्लांट दिख रहे हैं आपको पिंक कलर के होते हैं, इनमें से दूध दूध सा भी निकलता है। टाइप्स ऑफ साइमोज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। जैस्मिन का प्लांट है, सिंपल डाई जैस्मिन, मोनोचैजियल हेलिकॉइड, तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। ये साइमोज के हैं सारे, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी साइमोज के हैं, मतलब हर जगह इनमें फ्लावर से टर्मिनेट हो रहा है। तो अब ये दो तरह की इनफ्लोरेसेंस आपको क्लियर हो गई होंगी। साइमोस में यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, जैस्मिन बोगनविला साइमोस का एग्जांपल है, रेसिमोस का एग्जांपल रेडिश और मस्टर्ड, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन में और दो पॉइंट है, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो रेसिमोस में, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर एंड लिमिटेड ग्रोथ साइमोस में। फ्लावर का पार्ट, फ्लावर के पार्ट बहुत ही सिंपल है, आपने ये फ्लावर के पार्ट 10th में भी पढ़े थे। सबसे बाहर वाले पोर्शन में जो ग्रीन लीव्स उगते हैं उन्हें केलिक्स बोलते हैं, सेपल्स का ग्रुप होता है। देन पेटल्स आ जाते हैं फ्लावर में, तरह तरह के कलरफुल पेटल्स आ जाते हैं, और फिर देन सबसे सेंटर में आ जाते हैं आपके एंड्रोशियम यानी कि एंथर के ग्रुप। सबसे सेंटर में आपका आ जाता है गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर अपना ये क्लास एंड करते हैं, और उसके बाद हम यहीं से शुरू करेंगे अगले को, ठीक ठीक है। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर।